अपने में अपने पूर्वजों को देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी मृत परिजन के सपने में आने का अर्थ है कि उनकी आत्मा अब भी भटक रही। आत्मा की शांति के लिए घर में रामायण या गीता का पाठ करें। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इसके दौरान कई लोगों को अपने पूर्वजों के आसपास होने का आभास होता है, तो श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य से प्रसन्न होकर पूर्वज सपने में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उनका आना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपके द्वारा किया गया श्राद्ध को ग्रहण कर लिया है और पूर्वज सपने में आकर आपको संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। अगर सपने में कोई पूर्वज कोई वस्तु अगर आपसे मांगते हैं, अगर उनके पैर में जूते चप्पल नहीं है या फिर भूखे हैं, तो आपको कोई संकेत दे रहे हैं। पंडितों के अनुसार पूर्वजों द्वारा मांगी गई वस्तु का पूरी श्रद्धा से दान करना चाहिए। परिवार से पूर्वजों का मोह रहता है, पूर्वजों को सपने में आप अपने घर के पास देखते हैं, तो इस बात का संकेत होता है कि आपके परिवार के लिए अभी उनका मोह खत्म नहीं हुआ है। पंडितों के अनुसार ऐसा आभास होने पर गाय को रोजाना 2 रोटी खिलाना चाहिए, अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आकर परिवार को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। सपने में अगर किसी परिजन की मृत्यु दिखाई दे तो माना जाता है कि आने वाले वक्त में आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।